कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अजय सिंह यादव, सर स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे चेतन सिंह, और इसके अलावा अरिष्ट शास्त्री जुड़ेंगे हमारे साथ में, गौतम जी सर स्वागत है आपका भी। अजय सिंह जी आपके पास आऊंगा, चूंकि अब जब बजट पेश हो चुका है, पीसीसी के चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया कि ये जो बजट है ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो होना चाहिए था, किस तरह से आप देखते हैं पूरे बजट को अजय सिंह जी? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय आम बजट आज सरकार ने पेश किया है, खूब निराशाजनक है। इस बजट में आम जनता को कुछ भी नहीं मिला, जबकि बहुत सारी उम्मीदें थी। मैं छोटी छोटी दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। इनकम टैक्स स्लैब जो कि लगभग पिछले 10 सालों से यही चले आ रहे हैं, इस बीच में आय लगभग 3 गुनी तक पहुंच गई है और उसके बाद भी स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। एटीसी की सीमा 1.5 लाख रुपए जो आज से 6-7 साल पहले हमारी सरकार छोड़ के गई थी, वही 1.5 लाख रुपए एटीसी की सीमा है। एटीटी की सीमा जो 50,000 की, उसको भी नहीं बढ़ाया गया है। इसमें घोर निराशा हुई है जो इनकम टैक्स पे करते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में जहां सरकार द्वारा 2022 तक कृषि आय बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन कृषि क्षेत्र में एक रिपोर्ट कहती है कि 3600 रुपए किसानों की पर कैपिटा इनकम है, उसको बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, ना किसी तरह की जीएसटी में छूट दी गई कृषि संयंत्रों पे, उपकरणों पे, जो कि मिलना चाहिए थे। साथ ही हमारी सरकार द्वारा नई योजनाओं के नाम पर ना विश्वविद्यालय ना मेडिकल किसी क्षेत्र में, एक बहुत उल्लेखनीय चीज मैं कहना चाहूंगा, पिछले साल जहां स्वास्थ्य के लिए 37,000 करोड़ का बजट था, उसको कम करके 34,000 करोड़ कर दिया गया, और पेट्रोल डीजल जो कि महंगाई का सबसे बड़ा कारण है, सेंट्रल एक्साइज में कमी होना चाहिए थी लेकिन सरकार द्वारा कोई कमी नहीं की गई, पेट्रोल डीजल को लग्जरियस आइटम बना दिया है, 100% से ज्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो सरकार को देना चाहिए थी, लेकिन जनता को भारी निराशा मिली। केवल और केवल जुमलेबाजी, ना रोजगार की बात, ना शिक्षा की बात, ना सुरक्षा की। चेतन सिंह जी आपके पास आऊंगा, बजट कैसे देखेंगे आप इस पूरे बजट को, क्योंकि कहीं आलोचनाएं हो रही हैं, कहीं तारीफ हो रही है, सरकार आपकी है, बेशक बात है कि आप तारीफ ही करेंगे, किस तरह से देखेंगे आप पूरे इस बजट को? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी सोच है जी, और कई व्यक्ति की तो अपनी मर्यादा भी है कि वे अच्छा होने के बाद भी अच्छा ना तो देख सकते हैं ना सोच सकते हैं, और अगर देख भी ले तो बोल नहीं सकते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। इस देश में मैं जहां तक समझ रहा हूं, विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता भरा बजट है, चाहे किसान का मामला हो, चाहे युवा का हो, चाहे जवान का हो, चाहे नौजवान का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे सड़क का हो। मेरे मित्र की बात सुन रहा था, किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान 12 करोड़ किसान बंधुओं के लिए सम्मान राशि के लिए किया गया है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इस देश में 16,000 करोड़ रुपए केवल किसानों की फसल बीमा योजना पर हम खर्च करेंगे, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों के जो लोन है उस पर जो केंद्र सरकार सब्सिडी देगी उसके लिए आरक्षित किया गया, इनको समझ में नहीं आएगा। 2.37 लाख करोड़ रुपए इस देश के किसानों के MSP पर सरकार खर्च करेगी, ये इनको समझ में नहीं आएगा। 400 वंदे मातरम ट्रेनें इस हिंदुस्तान में नई चलने वाली है, ये इनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 100 कार्गो गूगल पटवा बने हुए हमारे साथ में, गूगल पटवा से समझ लेते हैं। ठीक है, गोकुल पटवा बने हुए, गोकुल जी आपके पास आऊंगा। ठीक है गोकुल जी, बजट आ गया 2022 को लेकर, क्या देख रहे हैं आप इसमें खास, क्या खामियां क्या खूबियां? जी जी, देखिए अब दोनों प्रवक्ता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जी, उन्हें जो कहना है वो कहेंगे, कहना भी चाहिए, सबका अधिकार है। पर मेरा कुल मिला के आप तीनों से ये कहना है कि बजट को पहले समझें हम कि बजट है क्या। अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि GST में कोई रिलीफ नहीं दी, तो शायद उनको जानकारी होना चाहिए कि यह गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा, GST काउंसिल इसमें फैसला करती है और वो फैसला फिर गवर्नमेंट लागू करती है। मतलब गवर्नमेंट के हाथ में GST की दरें कम ज्यादा या उसमें कोई एडिशन डिलीशन कुछ नहीं रह गया है, नंबर वन। नंबर टू, शायद यादव जी को यह भी मालूम नहीं है कि अब एक्साइज ड्यूटी जैसा शब्द देश में खत्म हो गया है, GST के अंतर्गत वो आ गया है। तो इनको हर चीज में, मतलब जो चीज अवेलेबल भी नहीं है, अजय जी आपका आपके पास में है, गोकुल पटवा साहब की कमी नजर आएगी, और चेतन जी यादव जी आपका आपके पास में है, गोकुल जी शास्त्री समझ रहा था आपको पता नहीं है, पेट्रोल डीजल पे यादव जी आऊंगा आपके पास में, अजय जी आऊंगा आपके पास में, गोकुल पटवा अपनी बात रख रहे हैं पहले, गोकुल जी अपनी बात रखें, सही तथ्य रखिए, सेंट्रल एक्साइज नाम की, गोकुल पटवा अपनी बात पूरी करें जी जी।
अब चेतन सिंह जी भी उन विषयों को गिना रहे हैं, चेतन सिंह जी भी उस विषय को गिना रहे हैं जिसमें तात्कालिक लाभ है। देखिए बजट बहुत वाइड विषय है, इसमें सभी को कैसे लाभ हो, कैसे कहां जा रहा हो, इन सब पर चर्चा करना चाहिए। मैं केवल दोनों प्रवक्ताओं से ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बता दीजिए, इसके पहले किसी स्टेट का या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बजट आया हो जिसमें कोई चीज महंगी ना हुई हो? ये मैं पहला बजट देख रहा हूँ मेरे देखते देखते, मुझे भी अर्थशास्त्र और लॉ का बहुत लगभग 35 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी। ये पहला बजट है जिसमें एक भी चीज महंगी नहीं हुई है, नंबर वन। नंबर टू, जो रिलीफ देखिए, मैं भी चाहूंगा कि मुझे मैक्सिमम रिलीफ मिले, आप भी चाहेंगे आपको मैक्सिमम रिलीफ मिले, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, पर इसमें रिलीफ दिए हैं। तीसरा, पहली बार हमें सुनने को मिला कि 25 साल का बजट, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि जब हम अर्थशास्त्र में पढ़ने जाते थे, चाहे हमने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, चाहे हम पीएचडी के लिए जाएं, तो उस वक्त हमें केवल ये बताया जाता है कि 1776 में पहली बार अर्थशास्त्र का नाम शुरू हुआ, एडम स्मिथ ने पहली बार परिभाषा दी, रॉबिन्सन और मार्शल और सैमुअलसन, इन लोगों ने हमें अर्थशास्त्र सिखाया। पर ये पहली बार मालूम पड़ा मुझे कि सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त और तुलसीदास जी ने जिस रामराज्य की बात की है, और इन चारों को मिलाकर महात्मा गांधी जी ने जिस रामराज्य की परिकल्पना की थी, वो इस बजट में कहीं इंगित होती आ रही है। क्योंकि इसको लंबे समय तक कैसे यूज किया जाए, अगर सम्राट अशोक ने आज जिन 17 देशों को हम कह सकते हैं NH1, भले वो भारत में छोटा रह गया हो, अगर उस जमाने में बनाने की प्लानिंग की हो, तो आपको लगता है कि उस जमाने में 1-2 साल में वो रोड बन गई होगी क्या? उस वक्त जो नदी जोड़ो योजनाएं चली होंगी वो क्या 1-2 साल की परियोजनाएं होंगी? ठीक है, तो ये सब चेतन सिंह जी, चेतन सिंह जी कमलनाथ कह रहे हैं कि सिर्फ आंकड़ों का झूठा खेल है बजट। 2021 चेतन सिंह जी आपके पास आऊंगा, बीजेपी के नेता चेतन सिंह जी, कमलनाथ कह रहे हैं कि सिर्फ आंकड़ों का खेल है बजट में, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। कमलनाथ जी के दृष्टि, अगर कमलनाथ जी को नहीं दिखता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देश में पहली बार स्वास्थ्य के सेक्टर में 127% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का ऐसी कौन सी सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, ऐसी कौन सी सरकार है जो इतने बड़े प्रावधान लेकर के आई और काम करके इस देश में दिखाई? 80 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो सरकार बात कर रही है, 80 लाख उन लोगों को मकान देने की बात करें जिनका की छत नहीं है, 48,000 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड उसमें रखा गया है कि इनको बना करके अलॉटमेंट करना है, उन गरीबों को मनरेगा से जोड़ करके मनरेगा से बाहर निकालना है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर के केंद्रीय सरकार ने अपना विजन बहुत साफ रखा है, बहुत क्लियरिटी है। अब मेरे मित्र को ये समझ में नहीं आता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहली बार 100 कार्गो ट्रेनों का स्टॉप बनेगा, ये पहले मैंने हिंदुस्तान में कभी सुना ही नहीं था। वो कार्गो की ट्रेन को स्पेशल चलेगी, गतिशील होकर के चलेगी, ये इस देश में तो कोई कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। मैं यादव जी के पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल आपसे एक और ले लूं, 60 लाख रोजगार कैसे देंगे आप? मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, इस देश में चेतन सिंह जी, चेतन सिंह जी 60 लाख रोजगार कैसे देंगे? फिर अस्त जवाब दीजिए, फिर मैं यादव जी के पास जाऊंगा। 60 लाख रोजगार, देखिए ये केंद्र सरकार ने अभी बजट में प्रावधान किया है। हाँ। लोगों को किस तरह से रोजगार से जोड़ना है, किस तरह से स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को बना करके देना है, कई लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देना है, कई लोगों को स्टार्टअप की कंपनियों में जोड़ करके नए रोजगार का सृजन करना है। हाँ। ये केंद्र सरकार की पूरी पॉलिसी बन करके अभी आएगी। हाँ। अभी प्रारंभिक रूप से जो आया है, हाँ, उसमें जो मोटा मोटा है मैं आपको वही बताना चाहूंगा, उसका पूरा जो डाटा है वो अभी मेरे पास भी नहीं आया है, लेकिन 60 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, केंद्र सरकार के अपने बजट में इसका प्रावधान किया गया है। अगले 25 साल का, मेरे मित्र बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि 5 साल का बजट तो हमने देखा था, पढ़ा था, सुना था, हम चर्चा भी करते थे, लेकिन 25 साल के बजट पर हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं। उस पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपया सरकार अलग से देती, जिसको हम कभी-कभी कहते हैं वो चाइना में तो नहीं है। आज देश में देश के लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि कोई ऐसी सरकार है जो उनके अधिकारों के, उनकी ग्रोथ की चिंता करती है। ये इससे पहले इस हिंदुस्तान में कभी हमको देखने को नहीं मिला। मैं एक जानकारी जवाबदारी के साथ आपको देना चाहता हूं कि कोरोना के इन परिस्थितियों में जब 2 साल बच्चों का खराब हुआ, हाँ, आगामी सेशन हम सब स्मार्ट क्लास के माध्यम से, हाँ, टैबलेट के माध्यम से बच्चों को पूरी डिजिटल क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की स्थापना हम डिजिटल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, 12 भाषाओं। अजय यादव जी, 10 साल पहले आप भी सरकार में थे, 15 महीने अभी हाल में आप भी सरकार में थे, रोजगार देना कितना कितना सहज होगा, कितना आसान होगा केंद्र सरकार के सामने, खासकर मध्य प्रदेश के लोगों को? देखिए
देखिए दो तीन महत्वपूर्ण विषय इस मामले में आए हैं और मैं सरकार के आंकड़ों के साथ कहता हूँ, 2 करोड़ रोजगार की बात करने वालों की सरकार में 10 करोड़ रोजगार अकेले एक साल में चले गए हैं, सभी लोगों को ये जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BSNL जैसे संस्थान बेचे जा रहे हैं, LIC खत्म किया जा रहा है, रोजगार समाप्त करने की तरफ जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, 50% आयात अकेला चाइना से बड़ा है और डिफेंस का बजट 5 लाख करोड़ हुआ है, अधिकांश बजट विदेशों से हथियार खरीदने में खर्च हो रहा है, ना कि हमारे देश में बनाने में। दूसरी बात GSP की बात आई, आपके अर्थशास्त्री जी ने कहा, मेरा कहना था कि कृषि संयंत्रों को जो GSP लगाए गए हैं वो समाप्त होना चाहिए, वो पूरी तरह बजट का हिस्सा है, बजट के द्वारा ही कृषि संयंत्रों पर GSP लगाई गई थी, जबकि हमारी सरकारों में सब्सिडी मिलती है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों में सेंट्रल एक्साइज समाप्त हो गई, ये तो नई जानकारी है जो आपके चैनल पे कह रहे हैं, जबकि 30 से 35 रुपए सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल डीजल पे लगती है, जो हमारी सरकार में 3 रुपए और 10 रुपए थी, जो महंगाई का मूल कारण है। सरकार को कमी करना चाहिए था, गैस सिलेंडर 1000 रुपए पहुंच गए हैं, 300 रुपए था, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे कुछ नहीं किया गया है। और स्वास्थ्य मिशन की आप बात कर रहे हैं, मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ, 37,000 करोड़ का बजट था, चेतन सिंह जी जवाब देंगे, चेतन सिंह जी कर दिया है, 3,000 करोड़ का बजट कम कर दिया, कैसे स्वास्थ्य के लिए आप काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कोई काम नहीं। हमारे मित्र को जानकारी नहीं है जो चाइना से एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ रुपए का, 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कृषि के क्षेत्र में किया है, सरकारी देश के 120 करोड़ लोगों को हम रसायन की जो जहर खिला रहे हैं उससे बाहर निकालने के 0% पर लेकर के हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक और जैविक उत्पादन उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, माँ गंगा माँ नर्मदा इन नदियों को बचाने की बात कर रहे हैं, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी तरह से जैविक उत्पादन पर हम बात कर रहे हैं, एक एक करके 5 नदियों बड़ी नदियों को आपस में जोड़ करके उन किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की प्रबंध करने जा रहे हैं, जहाँ पे 75 साल में खेतों ने पानी को नहीं देखा, वो पानी खेत तक नहीं पहुँच पाए, ये कमियों को पूरा करने का मादा है। मध्य प्रदेश के लिए 45,000 करोड़ रुपए केन बेतवा के लिए केंद्र सरकार ने योजना बना करके दी, ये वर्षों वर्ष कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, लेकिन बुंदेलखंड गरीबी आपदा। गोकुल पटवाल जी आपके पास आऊंगा, गोकुल पटवाल जी के पास चलेंगे, महिलाओं को क्या मिला गोकुल पटवाल जी, युवाओं को क्या मिला, काम कर रहा है, वृद्धों को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, गोकुल पटवाल जी तो कोरोना में आधा देश खत्म हो जाता, इन कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में। ठीक है, गोकुल पटवाल जी से समझ लेते हैं ना, गोकुल पटवाल जी बड़े अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं, और आप श्रेय ले रहे हैं इस बात का। ठीक है, ठीक है, अजय यादव जी आऊंगा आपके पास में, अजय यादव जी आऊंगा आपके पास, यादव जी आऊंगा आपके पास में, गुजारिश है मेरी आपसे, विनती है आपसे मेरी, आऊंगा आपके पास में। गोकुल पटवाल जी, युवाओं को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, बच्चियों को क्या मिला, जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे थे उन्हें क्या मिला? अजय जी जी बटवा जी, देखिए अभी तक जो जिस विषय पर आप दोनों ने तीखी बहस की, मैं अजय जी आपको बता दूं, GST काउंसिल की जो लास्ट बैठक हुई थी उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट और वाइन और जो नशा की वस्तुएं हैं उन पर से उनको GST के दायरे में लाने पर चर्चा हुई थी। हाँ। और कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया था, अगर GST के दायरे में आ जाती तो एक देश एक रेट हो जाती, नंबर वन। नंबर टू, जो बात आज हम यहाँ उठा रहे हैं केवल 3 राज्यों में सरकार है, आप सुनते नहीं है जो यादव जी, यादव जी आप उनकी बात तो सुने दीजिए, बड़े अर्थशास्त्री बैठे हमारे साथ में, आप उनकी बात तो सुने एक बार। अजय यादव जी आएंगे आपके पास में, मुझे बताइए कि कांग्रेस की सरकार उसे समझा रहे हैं ना, गोकुल पटवा समझा रहे हैं हमें, बहुमत के आधार पर जाएंगे तो कांग्रेस की तो केवल 3 राज्यों में सरकारें हैं, कांग्रेस के कहने से रोक दिया आपने। यादव जी आपके पास आऊंगा मैं, गोकुल पटवा जी अपनी बात रखे, अपनी बात पूरी करें, पटवा जी कांग्रेस का कौन सा ऑफिशियल लेटर जारी हुआ कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया है, बताइए कौन सा ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, इस तरह की राजनीतिक बयान से आपको बचना चाहिए। यादव जी आप अपना पक्ष रखेंगे 2 मिनट के बाद, गोकुल पटवा जी अपनी बात पूरी करें, यादव जी आपके पास आएंगे, पेट्रोल डीजल पे GST, यादव जी का ऑडियो थोड़ा कम कीजिए, गोकुल पटवा जी बोलिए, वोट करिए पटवा जी, कौन से मुख्यमंत्री, गोकुल पटवा जी अपनी बात पूरी करें, गोकुल पटवा बात रखें अपनी। यादव जी पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि आपकी अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आपको यह मालूम नहीं है कि पूरे देश में केवल 3 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं होगी।
मेरे ख्याल से झारखंड में आपकी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में आपकी नहीं है, पंजाब में आपकी नहीं है, राजस्थान में आपकी नहीं है। जीएसटी में लाने से आप राजनीतिक तेलंगाना में आप सरकार नहीं चलाने साथ में तीन चार पांच नहीं नहीं मुझे मुझे मेरा सवाल गोकुल पटवारी से था अजय यादव जी, मेरा सवाल गोकुल पटवारी से था। मुझे पूरी बात सुननी चाहिए, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ठीक है यादव जी, मैं आपसे मुख्यमंत्री ने कांग्रेस आपसे गुजारिश करूंगा यादव जी, मैं आऊंगा आपके पास में। गोकुल पटवारी से मेरा सवाल इतना सा था कि युवाओं को क्या मिला, जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन्हें क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, जो लोग स्वावलंबी होने की बात कर रही है महिलाएं उन्हें क्या मिला, मैं ये पूछना चाह रहा था गोकुल पटवारी साहब से। अजय यादव जी उन्हें अपनी बात कंप्लीट होने का दीजिए। देखिए शुभम जी, आप मेरी तरफ से सवाल पूछिए जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पे आपने आरोप लगाया तो मुझे नाम लेके बताइए कौन कौन से मुख्यमंत्री कांग्रेस के विरोध कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जीएसटी में ना आए, और भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कौन सा बयान है? इस पॉइंट पर भी आएंगे ना यादव जी, इस पॉइंट पर आएंगे। एक अहम सवाल आम लोगों का था ये कि युवाओं को क्या मिला, रोजगार जो लोग तलाश रहे उन्हें क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, ये मुझे पूछना दीजिए, उसके बाद आपके पास। शुभम जी, ये भारत वो इकोनॉमी है जो बांग्लादेश से नीचे आ गई है, और आपने ऐसे ऐसे महिमा मंडन करवा रहे हैं जैसे देश बड़ी तरक्की कर रहा हो। दुनिया में बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी से नीचे हमारी पर कैपिटा इनकम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहुंचाई है। यादव जी, आपका बस चले तो आपको पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान को नीचे दिखा दो, और आपको और आपकी पार्टी का एजेंडा दिन रात यही रहता है कि कैसे हिंदुस्तान की नाक को कटवाएं, इस देश के सामर्थ्य को आज विश्व सलाम करता है, विश्व सैल्यूट करता है। आपको शर्म आना चाहिए हिंदुस्तान की आलोचना करते। कई लोगों को इस देश का नमक खाने के बाद भी इस देश के साथी गद्दारी करने का मजा आता है, और उसमें से आप हो, क्योंकि आपका लीडर जो राहुल गांधी है वो दिन रात यही बात करता है। जो बात राहुल गांधी सदन में बोलता है सेम बात पाकिस्तान के सदन में बोली जाती है। क्या आपका आचरण पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए मेल खाता हुआ आपका डीएनए नहीं है? सर आज जयमान सिंह पवेल आप मुद्दे से भटक रहे हैं, ऐसे बहस करने का डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। आप मुद्दा बजट का था, पाकिस्तान पर जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ चेतन सिंह जी, आप इतने बड़े नेता है बीजेपी के, प्रदूषित नेता है आप, बात बजट की हम कर रहे हैं, पाकिस्तान पे जा रहे हैं। चेतन सिंह जी, अजय सिंह जी, अजय सिंह जी, हम बात बजट की करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, आप पाकिस्तान पे जा रहे हैं, बांग्लादेश पे जा रहे हैं, क्या करेंगे इन सब? इकोनॉमी बजट का ही हिस्सा है शुभम जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आज हम हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, पर कैपिटा इनकम से बेहतर हो गई है, और ये अर्थव्यवस्था की ही बात है, राजनीतिक बात नहीं है। मैं बजट का ही आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मित्र से कहिए बार बार इंटरप्ट करके इसे जो हमारी बहस है उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है चेतन सिंह जी, अपनी बात रखें, मैं फिर आऊंगा आपके पास। पर कैपिटा इनकम कितनी है अगर अजय सिंह जी आपके पास है नहीं, पर कैपिटा इनकम मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ जी, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, पर बीच में मना बोलिएगा। ठीक है, बोलेंगे, आप कोई नहीं बोलेगा बीच में। ठीक है, पटवा जी बोले। मुझे एक बात बताइए, आज पूरे जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी के दायरे में जो चीजें हैं उनको उन पर एक्साइज ड्यूटी नहीं है, और जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, जीएसटी काउंसिल के दायरे में केवल वो दो तरह के प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नशा वाले आइटम। मुझे एक बात बताइए, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, बाकी राज्यों ने तो पूरे देश में जीएसटी कम कर दिया, क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कम हुआ? आप पूरे जीएसटी नहीं कम किया है, वैट कम किया है, पहले तो आप करेक्ट कर लीजिए अपना डेटा। आप लोगों की बात कर रहे हैं, राज्य वैट एक मिनट बीच में मत बोलिए, राजनीतिक मत करिए, वैट कम करते हैं, मेरा डेटा करेक्ट है, केंद्र सरकार करती है कम। मैं परसेंट दे रहा हूँ आपको, डेटा दे रहा हूँ, केंद्र सरकार करती है कम, राज्य सरकार। यादव जी गोकुल पटवारी जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। जानकारी नहीं है तो मुझे दुर्भाग्य के कांग्रेस ऐसे लोगों को जीएसटी राज्य सरकार कैसे कम कर देगी? अगर आप इस तरह के लोगों को कांग्रेस का प्रवक्ता बनाते हैं तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, मतलब कोई अच्छे नेता नहीं बन रहा है। आपको समझना चाहिए, मुझे बताइए, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। अजय सिंह यादव जी पहले सुन लीजिए बातों को, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जीएसटी मध्य प्रदेश सरकार ने जीएसटी कम नहीं किया पेट्रोल पर, मध्य प्रदेश सरकार ने वैट कम किया है, आपको पता नहीं है? शाम को पढ़ के फिर से बैठिए। मध्य प्रदेश में कम नहीं हुआ जीएसटी? मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पे वैट कम किया है, फिर से सुन लीजिए, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट कहते हैं वो कम किया है। मध्य प्रदेश सरकार जीएसटी कम नहीं कर सकती है, जीएसटी सरकार कम करती है। आपको जानकारी नहीं है? कभी रसीद देखिए पेट्रोल डीजल की, जिससे दर्शकों को सुविधा हो। पेट्रोल डीजल की रसीद देखिए,
अरे कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए, अगर आप इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो तो मुझे दुर्भाग्य कि आपके नेता बिल्कुल दुरुस्त है। राज्य सरकार अभी 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 100 रुपए का पेट्रोल डाला, आप डेटा अभी पहले अभी यहाँ से निकल के 100 रुपए का पेट्रोल डालाओ और बिल पर जीएसटी नीचे देखो आप, सीजीएसटी और एमपी जीएसटी दोनों आपको नजर आ जाएंगे। अगर आपको इतना ज्ञान नहीं है तो आप और आपकी पार्टी दोनों गोकुल पटवा जी ठीक है, अजय सिंह यादव जी शांत हो जाइए, यादव जी शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अजय सिंह यादव जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप बजट को अगर विद्वान लोग आप डिबेट को बजट के चलिए ठीक है यादव जी ठीक है, गोकुल पटवा जी से दोबारा आएंगे आपके पास ठीक है। चेतन सिंह जी बैठे हैं सरकार में, एक मिनट सवाल जिनसे करना मुझे उनसे करने दीजिए, बात कर रहे हैं आप सुन लीजिए मेरा परिचय, एक मिनट गोकुल पटवा जी सुन जी एक मिनट अजय सिंह जी आप व्यक्तिगत ले रहे हैं बातों को, चिदंबरम जी ने जीएसटी काउंसिल बनाई थी ना पेट्रोल डीजल पे, आप सुन लीजिए तसल्ली ठीक है शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चेतन सिंह जी सबसे बड़ा सवाल आपसे ये लूंगा, चूंकि आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ा, सबसे बड़ा सवाल यही कि लोअर क्लास लोग जो लोग समोसे की दुकान चलाते हैं, नाश्ते की दुकान चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं या सलून की दुकान चलाते हैं, उन्हें क्या मिला, वो क्या इस बजट को समझ पा रहे हैं? श्वेतन सिंह जी छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी वस्तु पर टैक्स नहीं बढ़ाया है, हाँ? किसी भी वस्तु पर हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, हाँ? मैं उसी पर आ रहा हूं, छोटे व्यापारियों पर हमने किसी प्रकार का वर्डन नहीं डाला है, छोटे व्यापारियों को आने वाले समय में अनेक प्रकार की चीजें इस हिंदुस्तान में सस्ती होने वाली हैं, खाद्यान्न की चीजें सस्ती होने वाली हैं, हाँ। एक्सपोर्ट पर हमने टैक्स घटाया तो निश्चित रूप से सस्ता होने वाला, कपड़े पर हमने टैक्स घटा दिया, हमने चमड़े के सामान पर टैक्स घटाया, हमने इलेक्ट्रॉनिक पर टैक्स घटाया, ये सारी चीजें बाजार में बूम लेकर के आएंगे। और इसका उदाहरण इस हिंदुस्तान में बजट आते ही 1000 के ऊपर गया है सेंसेक्स, ये इस बात का उदाहरण है कि इस बजट का बाजार पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा है। मैं बहुत ज्वलन चीजों पे भी बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मित्र अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो, बिल्कुल क्या इस देश में ये पहली ऐसी सरकार है कार्बन उत्सर्जन को लेकर के बहुत गंभीर है, हाँ। ग्रीन एनर्जी को लेकर के बहुत गंभीर है, हाँ। छोटे छोटे उन बच्चों को जिनका 2 साल का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हुआ है, आगामी आने वाले समय में उसकी रिकवरी कैसे हो, उन बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद होने से हम रोके, हाँ। उसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। ये सारे प्रावधान इस बार करके आए, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जिस तरह से लोग सरकार पर आरोप लगा रहे थे उसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। अनेक ऐसे चीजें आज लोग गैस को लेकर के हाई तोबा करते, आज ही कमर्शियल गैस पे स्ट्रेस के साथ ही 91 रुपए की कमी हो गई है। और जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आगामी समय के 3 साल में हिंदुस्तान में 60 रुपए लीटर कोई पेट्रोल डीजल खरीदने वाला नहीं मिलेगा जिस स्टेप पर केंद्र सरकार आगे जा रही है, हाँ। क्योंकि इस देश में हम सौर ऊर्जा विंड एनर्जी वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं हम डीजल पेट्रोल को खत्म करके बैटरी इलेक्ट्रिक कारों पर लिथियम पर आने वाले हैं, ठीक है। हम किसी सेक्टर को बर्बाद अगले पॉइंट पे आना चाहते हैं, इसलिए सरकार धीरे 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 हम उसको उस मोड पर जा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ आने वाले समय में ये सब लोग अपने आप को तैयार करके सरवाइव करें। जैविक खेती इतना बड़ा उदाहरण है, इस देश में लोग जहर खा रहे हैं, इसको लेकर के आज सरकार ने इतने गंभीर सूक्ष्म तरीके से सारी पॉलिसी को यहाँ पर पब्लिकेस किया है, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, हेल्थ सेक्टर को लेकर के कोई बात नहीं करना चाहता है, आखिर क्या है, केवल पार्टी की आलोचना। छोटे मझोले किसानों को 80% इस देश का छोटा मझोला हमारा किसान है, 1000 रुपए उसको अटल पेंशन योजना से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अनेक राज्यों में हम सफलता के साथ दे भी रहे हैं, हर घर में बिजली, हर खेत में पानी पहुंचे, 8 करोड़ लोगों परिवारों को शुद्ध पेयजल इस बजट में हम फिर से देने जा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। समझ में नहीं आता कि आजादी के 75 साल में भी हम शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, 2 वक्त की रोटी, रोजगार, आम आदमी की कैसे जेब भरी रहे, कैसे उसका पालन पोषण हो। अजय सिंह यादव जी, अजय सिंह यादव जी एक एक अहम सवाल, कांग्रेस और उनके नेताओं की सोच ठीक है जो अनर्गल खिलाफ करते हैं। चेतन सिंह जी मैंने आपको पर्याप्त वक्त दिया, अजय सिंह यादव के पास में आऊंगा, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बड़ा सवाल मेरा आपसे ये कि क्या आपको इस बजट में कुछ ऐसा नजर आया उन परिवारों के लिए जिनके परिवार ने अपनों को खोया है कोरोना के संकट काल में, या इनकी एक अच्छी खासी सेविंग्स कोरोना के इलाज में खत्म हो गई है,
जो लोग उनका संतुलन जो है, जो उनका आर्थिक संतुलन था वो बिगड़ गया कोरोना काल में, क्या आपको कुछ ऐसा नजर आया इस बार के बजट में उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता गुजर गए? देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तथ्यों और जुमलों में अंतर करना पड़ेगा। भाजपा सरकार तथ्यों में अलग बात है और जुमले अलग हैं। मैं दो तीन उदाहरणों के साथ बात करता हूँ। आपकी सरकार 2014 में आई, 2 करोड़ रोजगार का वादा आपकी सरकार ने किया, लेकिन सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं, 10 करोड़ रोजगार लोगों के चले गए। तो ये सच्चाई है, और वो जुमला था जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे। आपकी सरकार ने 2016 में कमेटी बनाई कि 5 सालों में किसानों की आय दुगनी की जाएगी, मतलब 1 अप्रैल 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी थी, लेकिन अभी जो आय इनकम की जो अभी डेटा आया है, किसानों की पर कैपिटा इनकम केवल 3,700 रुपए पर मंथ है। तो ये सच्चाई है और वो जुमले हैं। तो चेतन जी जो बातें कर रहे हैं वो सब जुमले हैं, और सच्चाई में ये सब कुछ कहीं दिखाई नहीं देता है। सच्चाई है कि भारत की अर्थव्यवस्था टूट रही है, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, मूलभूत संसाधनों से परेशान हैं। अगर आपके पास इतना सब कुछ था तो इनकम टैक्स में रियायत क्यों नहीं दी गई? आपके पास सब कुछ था तो इनकम टैक्स के स्लैब आगे बढ़ाते, आप लोगों को राहत देते, पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल एक्साइज कम करते, रसोई गैस 300 रुपए में आपके नेता सिलेंडर लेके घूमते थे, आज 1,000 रुपए गैस इसलिए है क्योंकि 100% से ज्यादा टैक्स आपकी सरकार ले रही है। तो ये राहत आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है? तो ये जुमलेबाजी, अगर सब कुछ ठीक होने के बीच का अंतर है, जुमलेबाजी है। ठीक है गूगल पटवा, अगर सब कुछ ठीक था तो क्या राहत देने की गुंजाइश थी सरकार के पास में कि टैक्स में राहत दे सकते थे? देखिए राहत तो देने के लिए बहुत क्षेत्र हैं, और राहत कितनी भी दे जाए हमेशा कम होती है। अगर आप एक कंट्रोवर्शियल, मैं चेतन सिंह जी से ही पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, एक तरफ हम बात कर रहे हैं बीपीएल की, हम बीपीएल 8 से 12 लाख 15 लाख 16 लाख की बात करते हैं, कि हम जब रोजगार की बात करते हैं कि बीपीएल कार्ड या जिसे हम कहते हैं कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो 8 लाख से 16 लाख किया जाए, कि 16 लाख की इनकम तक वाले को मिलना चाहिए, यानी गरीब, हम एक तरफ तो 16 लाख बता रहे हैं और एक तरफ जो हाईएस्ट रेट की इनकम टैक्स की रेट है वो 12.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, मतलब दोनों में से आप क्या गरीब कैसे मान रहे हैं, 16 लाख वाले को या 12.5 लाख रुपए वाले को? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एजुकेशन पर बात करें तो एजुकेशन, देखिए हम गरीबी की बात करते हैं तो गरीबों पर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, मुझे आप बताइए कि मेडिकल एडमिशन हो, इंजीनियरिंग का फॉरेन एडमिशन हो या अच्छे कोर्सेज का एडमिशन हो, पैसा लगता है, क्या गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? मतलब जो रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलता है वो किसको मिल रहा है, पैसे वाले को। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जब तक आप इन सब पे लंबे तरीके से नहीं सोचेंगे तब तक बात नहीं हो सकती। और जैसे ही अभी जैसे अजय सिंह जी बहुत सारी बात कर रहे थे, मैं उन पे नहीं जाना चाहता ना चेतन सिंह जी की बात पर जाना चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें, पिछले मैं 35 साल से बजट को कवर कर रहा हूँ, मैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट की हाईएस्ट पोस्ट पर भी रहा हूँ, आप जिस जीएसटी में मुझे आप चैलेंज कर रहे थे, मैं काउंसलिंग की पहली बैठक से अंतिम बैठक तक, मैं चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का, अजय सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका, चेतन सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, गोकुल पटवा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए।